अस्सलाम वालेकुम, ये मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की पॉडकास्ट सीरीज हाउ आई रिपोर्टेड है। मैं हूँ अरूसा शौकत। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली औसत। अली कराची में बेस्ड एक फ्रीलांस रिपोर्टर हैं और गुज़िश्ता 13 साल से सहाफत से वाबस्ता हैं। इस दौरान उन्होंने कई मुख्तलिफ इदारों में काम किया है, जिनमें द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, नेशन और PPI शामिल हैं। इसके अलावा अली GTV पे पोलिटिकल एनलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अली ने कई बीट्स पर रिपोर्टिंग की है, लेकिन जो उनमें कुछ नुमाया बीट्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। उनमें हेल्थ, एजुकेशन, अर्बन इश्यूज, एनवायरमेंट और ह्यूमन राइट्स शामिल हैं। अली, हमें आज ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अली, हम आज बात करते हैं आपकी 2019 में पब्लिश होने वाली स्टोरी, जो कि डॉन के संडे मैगजीन में पब्लिश हुई थी, द स्ट्रेंज केस ऑफ साइलेंट वेमेन के नाम से। ये आपकी एक जॉइंट बायलाइन के साथ स्टोरी पब्लिश हुई थी। इस स्टोरी के बारे में मजीद बात करते हैं, लेकिन हम इधर बता दें चलें कि ये स्टोरी जो है ये सिंध में हिंदू लड़कियों की फोर्स कन्वर्जन्स के हवाले से जो इशू है उसको गहराई से देखा गया था और उसके मुख्तलिफ पहलुओं को इस स्टोरी में एक्सप्लोर किया था। अली, शुरुआत करते हैं स्टोरी की पिच से। जब आप ये इशू को हम देखते हैं न्यूज में, किसी ना किसी तरह आपको चंद महीनों बाद ये कवर होती दिखाई देती है, लेकिन इसको जितना इन डेप्थ आप लोगों ने एक्सप्लोर किया था इसको, आई बिलीव ये कवर स्टोरी थी उस संडे मैगजीन के एडिशन के लिए भी, इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? क्या उस वक्त कोई ऐसा वाकया पेश आया था, या आप लोगों को कोई लीड मिली थी, या ये स्टोरी कमीशन की गई थी? थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको याद होगा कि आज से 2-3 साल पहले डॉक्टर रिंकल कुमारी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, जिनका इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था अपना मीडिया के अंदर, कोर्ट मैटर हुआ था वो, तो वो हमारे जहन के अंदर था। फिर हम लोग क्योंकि सिंध के शहराची के अंदर है, तो यहाँ पर खासतौर पर जो फोर्स कन्वर्जन है इसके बारे में हमें जो है वो अपनी सोर्सेज से, और जब हम कभी इंटीरियर रूरल एरियाज में विजिट करते थे तो वहाँ पर इश्यूज हमें सामने आते थे, तो ये हमारे जहन के अंदर था कि इस स्टोरी को इन डेप्थ हमें इसको चेक करना है। अच्छा, ये चीज मैं आपको बताऊँ कि ये स्टोरी हमने सीरीज में की है, यानी कि जिस वक्त हमें ये स्टोरी पिच करने से पहले, क्योंकि थोड़ी सेंसिटिव मैटर था और लोग इसके ऊपर शुरू में बात करते हुए बड़ा रिलेक्टेंट थे, मतलब इंडिविजुअली और इन डेप्थ के हवाले से जाते हुए ना, तो हमने शुरू में यानी कि पहले स्टोरी पिच करने से पहले एक विजिट किया था उमर कोट वगैरह का, और वहाँ हमने थोड़ा सा जायजा लिया और कुछ लोगों से हमने वहाँ पर बात की, कुछ हमें अंदाजा हुआ। हम और एज ए हम वहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर गए थे, मतलब उस वक्त हमने अपने आप को जर्नलिस्ट पोस्ट नहीं किया था कि हम लोग वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं। जब उन्होंने बात की फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई वहाँ पर कि भाई इस तरीके से जो है ना ये इश्यूज यहाँ पर आते हैं और बाकायदा तौर पर एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया यहाँ पर काम कर रही है। अली, सोर्सेज की थोड़ी सी बात करते हैं। जब आप स्टोरी करने निकलते हैं, स्पेशली जैसे आप लोगों ने बताया कि आप बाकायदा पहले उस पे रिसर्च की, फील्ड में जाके आप लोगों ने देखा सिचुएशन क्या है, तो सोर्सेस को एक तो लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना, और फिर उसके बाद उनको रजामंद करना आपसे बात करने के लिए, ये एक काफ़ी एक अहम मरहला होता है स्टोरीज में। स्पेशली अगर जितनी सेंसिटिव स्टोरी होती है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है इंश्योर करना कि सोर्सेस जो हैं वो आपसे ऑन द रिकॉर्ड भी बात करने को तैयार हैं, ताकि आपकी स्टोरी जो है वो उसको कोई मतलब चैलेंज ना कर सके और उसकी मवाद जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक भी हो। आप लोगों ने जब ये स्टोरी करने का सोचा और फिर आप लोग गए, तो ये प्रोसेस इस स्पेसिफिक स्टोरी के लिए कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए, गिवन कि आप लोग इंटीरियर सिंध में जा रहे थे और वहां पे ये इशू आप बता भी रहे हैं काफी प्रेविलेंट था और इसमें काफी इन्फ्लुएंशियल लोग भी शामिल थे? हाँ, देखिए, अब वहां पर एक तो सबसे पहले हमने रابطे किए वहां पर, खासतौर पर सक्खर के अंदर और उमर कोट में और डहरकी इन इलाकों के अंदर जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे रابطे किए, तो और फिर उनके जरिए फिर हमने जो सक्खर का जो मुखिया था, सबसे पहले तो उनको यकीन दिलाया कि हमारी कोई जो प्रिजाइसिस नहीं है, हम ऑब्जेक्टिवली इसको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं जो भी इश्यूज हैं इसके ना। फिर चूंकि देखें, एक तो वो लोग हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है,
वो लोग चाहते भी हैं कि आप जो है वो मीडिया के अंदर जो इश्यूज हैं इनको हाईलाइट करें। एक जब उनको यकीन हो गया कि भाई हम एक वाकई एक साफी हैं और इसके अलावा जो एक ऑब्जेक्टिवली रिपोर्टिंग रिपोर्ट करना चाह रहे हैं चीजों को, तो फिर उन्होंने बहुत सारे हमें रबते दिए। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने ढरकी के अंदर जो है वो हमें रबते दिए, और उसके बाद खुद उसने उन्होंने सारी चीजें बताई कि इन्हीं जो हिंदू काउंसिल है उसी ने जो है वो सिंध असेंबली से जो लॉ पास करवाया था कि 18 साल से जो चुकी जो है वो लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है, फोर्स कन्वर्जन के जिम्मे में आएगी अगर वो अपनी मर्जी से भी शादी कर रही है। तो ये खासतौर पर जो है सिंध असेंबली ने इस लॉ को इन लोगों ने पास करवाया था। इन्होंने फिर काफी हमें जो है वो बताए, इश्यूज बताए। जी अली, मैं यही पूछना चाहिए थी कि जब आप ये सारा इशू एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये पसे मंजर भी आपके सामने आ रहा है, तो फिर आपने उन लोगों से भी बात की नेचुरली जो के जिनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं। आपकी स्टोरी में दो इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज भी हैं और एक जगह मेंशन भी किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जो कराची प्रेस क्लब में की गई थी। मुझे ये बताइएगा कि जब आप उन लोगों से बात करते हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए थे, कोई ऐसी चीज आपके जहन में रह गई हो रिपोर्टिंग के दौरान जो आपने नोटिस की हो, या कोई किस्सा खास जो आपके लिए एक लेसन के तौर पे हुआ हो जो उनसे बात करते हुए आपने अपने रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस में देखा हो? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं अरुषा, कि अगर मैं कोई गुनाह करता हूँ, एक आम इंसान हूँ, कोई गलत काम करता हूँ, तो मेरा जमीर एक बहुत अरसे तक मुझे मलामत करता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए था, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं जब ये जो खासतौर पर ये पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं और इस इलाके के रूहानी लीडर्स भी हैं वहाँ पर, उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग्स हैं यहाँ पर, जब इनके इनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो सबसे सबसे ज़्यादा जो पेनफुल मेरे लिए कंडीशन थी एज ए ह्यूमन बींग और एज ए जर्नलिस्ट, कि इन लोगों को कोई गिल्ट नहीं था कि इन्होंने कोई गलत काम किया है, बल्कि ये लोग तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो अपने जो भी हमारा फेथ है हम इसकी खिदमत कर रहे हैं, और जहनी तौर पर बड़े मुतमईन और बड़े पुरसकून लोग थे, कि ये वेल कॉन्फिडेंट, इवन ये कि हम जब एक स्पिरिचुअल लीडर के घर में गए तो हमारे सामने वो बड़ी तादाद में उन्होंने खाने और बहुत ज्यादा खिदमतगार और ये सब रख दिए गए हमें। जब उनसे बात हुई तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे एक लम्हे के लिए फील हुआ कि क्या मुझे यहाँ पर बैठकर खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो वो फिर इनके साथ बैठकर मैंने इनके साथ बखादा, हमें वहाँ पे रिहाइश की भी ऑफर थी, हमें हर तरीके से जो है वो कहा जा रहा था कि ये जिसे आप कह लें कि ये एक ब्राइब की ऑफर भी की जा रही थी रिहाइश के बारे से, तो सिर्फ पैसा ही नहीं, आपको यहाँ पर जो चीज़ चाहिए, जिस किस्म के हालात है यहाँ पर रहें आप, जितने दिन आपने रहना है रहें यहाँ पे, जो देखना है देखें यहाँ पर आपको। तो अच्छा, लेकिन जब मैंने इनसे ये कहा कि यार वो जो कुछ जो एलो कपल्स जो आपके पास पनाह के अंदर मौजूद हैं, अगर आप उनसे हमारी बात करवा दीजिए, या वो जो खवातीन जो आपके पास हैं उनसे आप हमारी बात करवा दीजिए, वो मैंने अपनी कॉपी में भी लिखी है ये बात कि वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, और उसके अलावा वो जो कपल्स जो थे उनसे उन्होंने हमारी बात नहीं करवाई जो उनके पास रह रहे होंगे। ये सब चीज़ें जो थी जो मैं समझता हूँ कि शायद मैं अपनी कॉपी में एलोबरेट नहीं कर सका, लेकिन ये मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं कि मुझे उनके उनके चेहरे के ऊपर कोई गिल्ट नहीं था, कोई अफसोस नहीं था कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं या किसी की सज़ाती कर रहे हैं या किसी की मदद का या कमजोरी का, अपने से कमजोर लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये चीज मेरे लिए पेनफुल थी। अली, थोड़ी सी बात करते हैं लॉजिस्टिक्स के बारे में। रिपोर्टर्स के लिए बहुत एक अहम टॉपिक होता है, स्पेशली डेस्क के साथ बड़ा निगोशिएट भी करना पड़ता है। आप लोगों की स्टोरी में लगता है कि बहुत ज्यादा आप लोगों ने इंटीरियर सिंध में ट्रैवलिंग काफी इन्वॉल्व थी, इसी कि आप लोगों की रिपोर्टिंग डेस्टिनेशन जो आप लोग मेंशन कर रहे हैं उसमें, एक तो ये बताइएगा लॉजिस्टिकली किसी किस्म की आपको सपोर्ट फराहम की गई थी ट्रैवल के हवाले से, दूसरा ये भी हमें पता है टाइम कितना लगा, कितना टू एंड फ्रो करना पड़ा आप लोगों को, कराची से आप लोग बार बार जा रहे थे या ये एक जर्नी थी, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइएगा।
ये खैर ये तो स्टोरी हमने के वो डॉन के लिए की थी, तो डॉन एक बड़ा अच्छा इधर है और वो सारा उन्होंने हमें कंपटीशन वगैरह के हवाले से और ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह वो सारी हमने उनमें पे बैक की जो भी हमने उनको बिल्स वगैरह दिए थे। तो डॉन तो इस मामले के अंदर, बाकी दूसरे मैं इदारों का मैं दर्शी बातें मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन डॉन ने हमें पे किया और फौरन पे किया। इवन हमें अपने एक्चुअल जो पैसे हैं जो चेक होता है उससे मिलने से पहले उन्होंने हमें एकोमोडेशन के पैसे दे दिए थे। और अगर कोई भी रिपोर्टर होगा वो समझ सकता है कि ये बात कितनी अहम है कि फॉरेन और बगैर किसी शिकायत के मिलना, ये इस किस्म की सपोर्ट फराहम होना। अली थोड़ी सी बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। थोड़ा सा हम मूव करते हैं आखिर में, मैं आपसे सिर्फ दो पॉइंट्स पर बात करना चाह रही थी। एक मुझे बताएं आप लोगों की ये जॉइंट बाइलाइन थी, थोड़ा सा ये बताएं कंबाइंड रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या होता है। जॉइंट बाइलाइन हर रिपोर्टर की बस की बात नहीं होती है, कभी कभार डेस्क भी काफी ज्यादा काम कर रहा होता है। आप दोनों का किस तरह का था, आप और नईम एक साथ? थोड़ा सा नईम का भी आप हमारे हमारे तारुफ करा दें नईम का भी, और थोड़ा सा ये बताएं आप दोनों का कंबाइंड रिपोर्टिंग प्रोसेस में किस तरह आप लोगों ने स्टोरी को शेप दिया। देखिए एक्चुअली नईम सहोत्रा जो है वो एक तो मेरे पर्सनल दोस्त हैं और उसके अलावा बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इसके अलावा डॉन के बखत हैं, मैंने वहाँ पे फ्रीलांसिंग की है, वो डॉन के एम्प्लॉई हैं, डॉन में जॉब करते हैं। और उसके अलावा जब क्योंकि ये स्टोरी बड़ी सेंसिटिव थी तो हम लोगों ने कहा कि ये एक से दो भले अकेला बंदा हो सकता है शायद कोई चीज़ कोई कोड कोई चीज़ मिस कोड कर दे, कुछ मिस कर दे, कोई किसी जगह फंस जाए, क्योंकि वहां पर हम जहनी तौर पर तैयार थे कि शायद कुछ हो भी सकता है, कोई कहीं किसी जगह हमारी पिटाई लग सकती है। तो इसलिए अगर एक बंदे को पिटाई उटाई लग जाए, वो हॉस्पिटलाइज हो जाए किसी वजह से, तो दूसरा वो स्टोरी कंप्लीट कर दे। तो ये हमारा एक लॉजिस्टिकली और बाकायदा एक कंटीजेंसी प्लान था हमारा कि हम इसको इस तरीके से स्टोरी को लेकर चलेंगे कि कम से कम दो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद हैं, और अगर कोई मतलब कोई मिसकोट ना हो जाए, कोई गलत बयान, बहुत सेंसिटिव स्टोरी थी, अगर एक लाइन भी उसके अंदर आप यकीन करें कि उसका इम्पैक्ट भी बहुत आया उस स्टोरी का, अगर उसके अंदर एक लाइन भी गलत होती तो शायद हम लोग कोई कोर्ट की जो है वो पेशियां वगैरह सफर भुगत रहे होते हैं। अगर हमने कोई एक जुमला भी अगर हमने कोई गलत लिखा होता है कोई ऐसी चीज, हम लोग अपने नोट्स को काउंटर चेक करते थे, फिर हम लोग अपने अपने स्टोरीज को खुद बनाते थे कि तुमने ये लिखा है उसने ये लिखा है, फिर देखते थे उसके उसको, फिर हमने एक एक उसकी उसकी एक एक शक्ल में उसको बनाया, इसकी एक कॉपी बनाई है। तो इस तरीके से फिर हमने वो बाकायदा तौर पर एक हफ्ते तक हमारे पास पड़ी रही है, फिर हमने उसको देखा है, फिर हमने फोन किया सक्कर में, हमने साफियों को फोन किया, भाई ऐसा था, उस जगह का नाम क्या था, फलाना का नाम क्या था, मुखिया को हमने दो तीन हमारे उम्मीद कुमार वहाँ पे डरकी के मुखिया थे, सक्कर के मुखिया थे, उमरकोट में हमारे जो दोस्त हैं रब्ते किया, फिर हमने जो ये जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं इनसे रब्ते किए, असर आपने ये बात की थोड़ा सा इसको और समझा दीजिए, तो वो लोगों ने हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंट भी बहुत है, फिर हमें एक दूसरे की वजह से कॉन्फिडेंस बहुत आया इस स्टोरी की वजह से। तो ये फिर इस वजह से क्योंकि एक सेंसिटिव स्टोरी थी इसलिए हमने फिर उसको कहा कि इसको ज्वाइन बायलाइन की जाए, और अप्रूव हुई, उनको भी समझते थे इस बात को। अली ये जब स्टोरी आपने की आप फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहे थे, थोड़ा सा फ्रीलांसिंग के हवाले से बात कर लेते। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करना और फ्रीलांस रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग के हवाले से भी, स्टोरी पिच करने के हवाले से भी, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हवाले से भी कितना चैलेंजिंग है गिवन हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसके हालात हमारे सामने ही है। आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा है अभी तक फ्रीलांसिंग के हवाले से, और क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान में? बहुत इंपॉर्टेंट बात है मरूसा कि इस वक्त पिछले दो तीन सालों के अंदर जो मीडिया के अंदर के हालात जो हमें नजर आ रहे हैं, खुद सिर्फ कराची के अंदर 2200 के करीब जो है मुख्तलिफ फोटो जर्नलिस्ट वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साफी बेरोजगार है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ठीक है इस वक्त जो भी मीडिया क्राइसिस है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और भी है कि आपको आप जो एक वो एक रूटीन मीडिया अपनी एक अपना ट्रेंड एक थोड़ा सा चेंज कर रहा है, इसके अंदर सिर्फ वही लोग आप सर्वाइव कर सकते हैं जिनको पढ़ने लिखने का शौक है, जिनको अपने न्यूज के अंदर जो कि बाकायदा सिर्फ एक ग्लैमर को के तौर पर जो है मीडिया के अंदर आते थे अपने टीवी पे आने के लिए, अपने आप को खूबसूरत नजर आने के लिए, या एक हीरो बनने के चक्कर के अंदर जो यहाँ पर आते थे, अब उनकी जगह नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो कि क्रिएटिव काम करना चाहते हैं,
जो पढ़ना लिखना जानते हैं, जो वाकई जर्नलिज्म को समझते हैं। और इसके अलावा इसलिए मैं आपको बताऊं कि और जाहिर सी बात है एक मेहनत तलब काम है, लेकिन अगर आपने सीरियसली इसको कंसिडर किया कि यार मुझे जो है बाकायदा तौर पर एक सीरियस जर्नलिज्म करनी है, क्रिएटिव काम करना है जो कि मुश्किल है, तो आपके लिए के पास रास्ते बहुत है। अभी ये पेंडेमिक आया था, पेंडेमिक के अंदर बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने, मुझ जैसे साफी ने जो जिसको लास्ट में नेशन में था, मुझे नेशन से ले ऑफ किया गया था, तो उसके बाद से फिर मैं मुसलसल जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो इसी बुनियाद के ऊपर कर रहा हूँ, कुछ मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी स्टोरीज पिच की है, कुछ लोग हैं जो मुसलसल मुझे अभी बीच में पिछले 3-4 महीनों से, इस वक्त मेरे पास इतना बर्डन है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे हर हफ्ते मुझे मैसेज कॉल करते हैं कि हमें कोई स्टोरी आइडिया पिच कर दो, और मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं उनको स्टोरी आइडिया पिच कर सकूं, उनके लिए स्टोरी के लिए काम कर सकूं। वक्त यानी इतनी इस वक्त जो है फ्रीलांसिंग इतनी ज्यादा, इसको अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, लेकिन ये फिर ये आप होते हैं कि ये वो रिपोर्टिंग, ये वो जर्नलिज्म नहीं है जिसे हम लोग जानते हैं, जिसे हमारी मीडिया इंडस्ट्री जानती है। सीधी सीधी आपने सिर्फ कॉपी नहीं लिख देनी है कि जो हैपनिंग्स है वो आपने लिख दी, आपने अपनी कॉपी को तजियाती तौर पर उनको पेश करना है, अपना तजिया देना उसके अंदर, और वो जब तक आप पढ़ते नहीं है, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग उस इशू के पर नहीं होती है, आपने आप उसकी पूरी स्टडी नहीं की होती, उस वक्त तक आप अपना वो एक एनालिटिकल कॉपी जो है वो आप नहीं दे सकते वहां पर। ये मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर फ्रीलांसिंग के अंदर सीखा है कि अपॉर्चुनिटीज किसी सूरत में कम नहीं हुई है, लेकिन वो लोग जो कि सिर्फ जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, वो एक ग्लैमर के तौर पर मीडिया के अंदर आए थे और उन्होंने जो है वो एज ए जॉब के तौर पर इसको लिया था, उनके लिए वाकई यहाँ पर कोई जगह नहीं बची है। आपको क्रिएटिव काम करना है, इन डेप्थ काम करना है, बहुत मौके हैं, साथ में पढ़ाई करनी है, खासतौर पर मुझ जैसे यंगस्टर्स जो है ना वो पढ़ते लिखते नहीं है, सीधी सी बात है, हमें भी जब सर्वे पढ़ी है तो हमने पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत शुरू किया है, शुरू कर दिया, और जब पढ़ना लिखना जैसे ही अंदाजा हुआ कि हम कितने काम में। अली मुझे खुशी हुई आपने अपने आप को यंगस्टर कहा है अभी, लेकिन अच्छा अली आखिर में आपसे बस एक सवाल है, वो सवाल क्या है, रिक्वेस्ट है कि फ्रीलांसर रिपोर्टर्स जो या रिपोर्टर्स जो फ्रीलांसिंग को ऑप्ट करना चाह रहे, देखना चाह रहे, उनके लिए कोई आखिर में 2-3 पॉइंट्स या थिंग्स टू रिमेम्बर, थिंग्स टू कीप इन माइंड आप शेयर करना चाहेंगे जो अपने एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल में कि पिच आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने किस तरीके से किस इदारे को किस तरीके से आपने क्या पिच करनी है, और खास तौर पर जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको इश्यूज का इंटरनेशनल इश्यूज को इंटरनेशनल मीडिया पे खास के खास नजर रखें, आप BBC, CNN और इन इदारों की जो स्टोरीज हैं उनको पाबंदी से देखें, तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त पूरी दुनिया जैसे पेंडेमिक से पहले जो सबसे बड़ा इशू था इस वक्त जिसके ऊपर आपकी फॉरेन स्टोरी अप्रूव होती थी वो थी क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो गए, ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो गए, ये स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आपको फौरी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया और आपको इस स्टोरी पर अप्रूव करता है। और लेकिन आइडियाज आपके पास थोड़े से यूनिक होने चाहिए, तो आप देखिए आप कोई भी आपके पास स्टोरी है आपके पास जो बाजार सबको नजर आ रही है, लेकिन उसमें से आप एंगलिंग क्या कर रहे हैं, उस स्टोरी में से आइडिया क्या निकाल रहे हैं, ये मैटर करता है सबसे ज्यादा। उसके अलावा मतलब उस स्टोरी की आप एंगलिंग किस तरीके से, उसके आपके जहन क्या, आपके परसेप्शन ऑफ इवेंट क्या है, ये चीज जो है वो मैटर करती है बेसिकली। चले अली बहुत शुक्रिया, आपने ना सिर्फ स्टोरी के बारे में बात की, फ्रीलांसिंग और दीगर रिपोर्टिंग के प्रोसेस के हवाले से भी काफी बातचीत हुई आपसे, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। बाकी आप सबसे अगली एपिसोड पर मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।